हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्न एंड लर्न। आज के क्लास में भी हम लोग पैरेलल लाइंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इससे पिछले वाले जितने भी हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं वो आपके लिए काफी ही इम्पोर्टेंट था और आप लोग कृपया करके उसको जरूर से जरूर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक सिंपल सा आज क्वेश्चन करने वाले हैं, राइट। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, राइट। तो जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिख रहा है कि L और M क्या है, यहाँ पर गिवन है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस, राइट। मतलब L और M बिल्कुल ही सेम डिस्टेंस पे है ऑलवेज, राइट। उसके बाद क्या, T यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको T लाइन, ये क्या है, ट्रांसवर्सल। L और M जो पैरेलल लाइंस है इनके लिए टी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। और एंगल 5, ये वाली एंगल 5 ये क्या दी हुई है, 70 डिग्रीज दी गई है, राइट। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है फर्स्ट एंगल 1 फाइंड आउट करना है, 1 एंगल क्या होगा, राइट। तो यहां पे हम लोग देखें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 बाय विच प्रॉपर्टी, corresponding angles से ये क्या हो रहा है, ये equal हो रहा है by corresponding angles, right? तो यहां पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि angle 1 और angle 5 equal होगा by corresponding angle. Angle 5 given है कितना, 70 degree, ये क्या है, given है। Then हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा, राइट, बाय सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, राइट। यही हमारी प्रॉपर्टी है, राइट। अब एंगल 3 की बात करें, अब हम लोग यहां पे हम लोग किसकी बात करें, एंगल 3 की। तो एंगल 3 क्या है, 1 के अपोजिट, मतलब क्या, एंगल 1 इक्वल टू क्या, एंगल 3 हो सकता है, राइट। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये दोनों, ड्यू टू व्हिच 1 एंगल इक्वल टू 3rd एंगल, राइट। तो 1 एंगल की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड आउट की, 1 एंगल की हम लोगों ने क्या है, 70 डिग्री, तो 3rd की भी क्या होगी, 70 डिग्री, बाय विच प्रॉपर्टी, सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, राइट। अब हम लोग को निकालना क्या है, फोर्थ एंगल, राइट। तो फोर्थ एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एंगल 4, ठीक है। एंगल 4 क्या है, एंगल 5 के साथ को इंटीग्रेट वाली रिलेशन रख रहा है, मतलब क्या, एंगल 4 और एंगल 5 की सम क्या होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। मतलब क्या, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री बाय को इंटीरियर प्रॉपर्टी, को इंटीरियर प्रॉपर्टी, राइट। तो एंगल 5 का वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्री, राइट। तो एंगल 4 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, राइट। Then angle 4 equal to 180 degree minus 70 degree, which is equal to what, 110 degree, right? यहां तक बातें समझ में आई, right? तो हम लोग कौन कौन से एंगल निकाल चुके हैं, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4। अब हम लोग कितना, कौन से एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल 8, right? तो एंगल 4th की वैल्यू क्या होगी, 110। अब हम लोग देखें एंगल 4 और एंगल 8 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, राइट। तो अब हम लोग देख लेते हैं एंगल 8 की बात। तो एंगल 8 इक्वल टू एंगल 4 बाय विच प्रॉपर्टी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी, राइट, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी। देन एंगल 8 इक्वल टू व्हाट, 110 degrees, right? By which
corresponding angles profit. तो हम लोग उन्होंने क्या देखा, एंगल वन की वैल्यू कितनी है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे एंगल वन की वैल्यू कितनी आ गई 70 degree, राइट. एंगल थर्ड की वैल्यू कितनी आ गई, ये भी 70 डिग्री ही आई, राइट. उसके बाद एंगल फोर्थ की वैल्यू कितने आ गई, 110 degree, और वन एंगल एट की वैल्यू कितनी आई, ये भी क्या है 110 degree बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी, राइट. तो ये हमारा आंसर होगा. तो इससे आसान सवाल आपके लिए कुछ नहीं हो सकता था, काफी सिंपल था, आपको समझ में आया होगा. फिर भी कुछ डाउट्स रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सजेशन भेज सकते हैं, जो भी डाउट्स हो आप वो भी अपना पूछ सकते हैं. ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, राइट. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.